चटपट लाल लगाएंगे जान की बाजी। जी हाँ दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा धारावाहिक के सभी अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल पे, जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि पोपट लाल के बारे में बता रहे थे कि वो लगाएंगे जान की बाजी, क्योंकि पिछले ही बार जब वो हाथी भाई के साथ मिशन पे काला बाजारियों की नज़र में आ चुके थे पोपट लाल, क्योंकि कहीं ना कहीं काला बाजारी को ये पता था कि ये मिशन के पीछे पोपट लाल है। ऐसे में दूसरी तरफ काला कौवा की टीम रंग तिरंग रिसोर्ट के सभी मेंबर्स से बातचीत कर चुकी है, और जो मास्टरमाइंड दीप्ति है वो तो चुपचाप बड़ी इमोशनली ब्लैकमेल करके चाचा जी और बागा को वहाँ से निकल चुकी है। दूसरी तरफ जेठालाल ने होटल के मैनेजर से बात करी, लेकिन उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई और लगा कि वो इस काला बाजारी के साथ नहीं जुड़ा, उल्टा उसे ही जेठालाल पे शक हो गया, लगता है कि ये काला बाजारी के साथ जुड़ा है। दूसरी तरफ पोपटलाल और भारती लगे हुए थे वेटर के पीछे जासूसी करने में, और वेटर भी सीधा साधा निकला, उस वो भी काला बाजारी के साथ कहीं ना कहीं नहीं जुड़ा हुआ। लास्ट ऑप्शन अब बसती है सिर्फ संजना। जी हाँ, संजना से बात करने के लिए पोपटलाल अपने असली भेस में आके कहीं ना कहीं उसको प्रपोज करने की कोशिश करेंगे। उसका रीज़न यह है कि वो शादीशुदा है, ये पोपटलाल अब जानता है, लेकिन संजना को ये लगता है कि कोई नहीं जानता कि वो शादीशुदा है। जेठालाल ने ये इन्फॉर्मेशन मैनेजर के थ्रू निकलवाई थी, और वो लाख सवा लाख रुपए का फोन भी यूज करती है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी। देखना होगा कि पोपटलाल अपना भेस बदल कर, मतलब अपने नेचुरल भेस में आकर वो संजना को प्रपोज करके क्या सच बाहर निकलवाना चाहता है कि वो काला बाजारी के साथ जुड़ी हुई है नहीं जुड़ी। अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में क्या यही होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रपोज करने के लिए जाने वाला है संजना को। जी हाँ दोस्तों, सभी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा धारावाहिक। नमस्कार।